नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसा मैटर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जिसमें कि जैसे एक कमेंट आया हमारे एक कोटेदार का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने ये लिखा कि ग्राम प्रधान ने उन पर दबाव डाला और 5 क्विंटल गेहूँ उनको देने पड़े। किसी सामाजिक कार्य होगा, जो भी होगा, भंडारा हो, जैसा भी हो, मतलब किसी चीज़ पर गाँव के प्रधान ने दबाव दिया और उनको 5 क्विंटल गेहूँ देने पड़े। अब वो गेहूँ कहाँ से लाएँ और ग्राम प्रधान की ना माने तो उनको एक मुसीबत होती है। ऐसा ही एक कमेंट और आया, उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान साइन करने के 50 किलो गेहूं लेता है, एक बोरी गेहूं लेता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके कोटे में आखिर प्रधान का हस्तक्षेप क्या है भाई? आप लोग क्या क्या समझ रहे हो उस चीज को? ग्राम प्रधान से आपका क्या हस्तक्षेप है? ग्राम प्रधान किस बात के साइन करता है? आपको साइन कराने के लिए आप सेक्रेटरी सचिव से बात कीजिए, आप लेखपाल से बात कीजिए, आप BDO से बात कीजिए। आप क्यों साइन करा रहे हैं? आप क्यों बिना फालतू में डर रहे हैं? ग्राम प्रधान का कोटे से कोई लेना देना नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप किसी के दबाव में आकर आपको इस तरीके से फ्री में गल्ला देना जरूरी नहीं है, और अगर आप दोगे तो ये आपको ही भरना पड़ेगा हर हाल में। इसके लिए आप किसी के सामने कुछ भी बात अपनी नहीं रख सकते हो, ये आपकी कमी है और ये आपको ही झेलना है। तो मैं यही कहूँगा, अन्यथा से आप इन चीज़ों से बचें। जब मशीन दे रही है सरकार और भविष्य में और भी कुछ होने जा रहा है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप इन चीज़ों से बचें। किसी के कहने पर नहीं देना है, अंगूठा लगाने पर ही राशन देना है, जिसका अंगूठा लगेगा उसका राशन दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम आज की बात पे। बहुत सारे लोगों ने पेपर की कटिंग देखी होगी, मैं भी अभी दिखाऊंगा आपको। उसमें दिया हुआ है कि अब जो है भविष्य में अगले 1 से 2-3 महीने में एक ऐसा कांटा आएगा, वो कांटा मशीन से लिंक होगा और वो वजन के तौर पे, जो घटतौली की जो मैटर है उस मैटर पर वो कांटा काम करेगा और आपको राशन पूरा पूरा दिया जाएगा। वो सर्वर से अटैच होगा, यानी आप उसको छिपा नहीं सकते हो, और वो जो भी आप गल्ला दे रहे हो वो सर्वर पर फीड हो जाएगा, उसकी रीडिंग आ जाएगी। ये एक बहुत ही सख्त कदम है और इससे जो कार्डधारक है उनको लाभ होगा और कोटेदारों को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान की क्या बात है कि इस तरीके की शिकायतें आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ऐसी आ रही हैं, क्योंकि कोटेदारों को कमीशन बढ़ा नहीं है और कहीं ना कहीं इस चीज़ की ऐसी आवश्यकता होती है और वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपना बजट को मेंटेन करने के लिए। तो अब ये समस्या सरकार के सामने जो पहुंची है, सरकार इस पर लगातार विचार कर रही है और बहुत ही जल्द, जहां तक उम्मीद है, अगले 1-2 महीने में टेंडर हो जाएगा और 1-2-3 महीने में ही ये प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। तो है क्या, कई फोन आए मेरे पास, तो इस अखबार पढ़ा उन्होंने और पूछा मुझसे किस बात पे ये क्या है। तो मैंने बताया कि एक जो कांटा होगा 50 किलो लगभग उसका उसकी कैपेसिटी होगी, वो वाईफाई से मशीन से अटैच हो जाएगा और उसके बाद में आप जो भी उस पर तौलोगे वो मशीन वो ऑटोमेटिक सर्वर पर फीड हो जाएगा और वो कभी भी उसको निकाल के देखा जा सकता है। ऐसी घटतौली की शिकायतें आने की वजह सरकार ने ये कदम उठाया है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक है और इससे जो है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अगर अगर कमीशन नहीं बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा जो है कि स्थिति खराब होने वाली है। जो भी लोग इस तरीके से कर भी रहे थे उनके लिए समस्या बढ़ेगी, और इस आधार पर अगर कोई पकड़ा गया तो निश्चित तौर पर FIR होगी ही होगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल पारदर्शिता का काम है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग सरकार से बात करें अपनी और कमीशन का झगड़ा शुरू कीजिए, दूसरे विकल्पों पर विचार कीजिए। इस विकल्प पे काम नहीं चलेगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, और मैं बहुत जल्द, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इसी विकल्प पर लेकर आऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसे काम बताऊंगा कि जिनकी वजह से आपको कोटे के ऊपर निर्भरता आपकी खत्म हो जाए या कम हो जाए, ठीक है? तो इस जो मैं चलता हूँ, मैं वो एक न्यूज़ आपको और एक बार दिखा दूँ। जिन भाइयों ने मेरी न्यूज़ नहीं देखी है उनको वो मैं कटिंग दिखा देता हूँ, उसको पढ़ के सुना देता हूँ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करती हूँ। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं हमारे, उनको हो सकता है ये खबर ना मिल पाए, तो उनको दिखाना भी जरूरी है। मैं आपको बिल्कुल जो अपडेट रखता हूँ, जो भी करंट स्थिति है उससे अपडेट रखने की मेरी कोशिश रहती है कि हम आपको पीछे न रहने दें, जो भी चीज़ है मैं आपको उससे अपडेट कराता चलूँ। तो इसमें दे रहे हैं, कोटेदार कम राशन तौल के दे रहा है, यूनिट के हिसाब से राशन नहीं मिल रहा है, ऐसी शिकायतों के आधार पर राशन कार्ड धारकों को अब सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या जल्दी दूर होने वाली है, कोटेदारों पर घटतौली को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी है शुरू हो गई है। कोटेदार ने किस कार्ड पर कितना राशन बांटा, यूनिट के अनुसार राशन दिया या नहीं दिया, इसकी पूरी जानकारी खाद्य रसद विभाग के पास होगी। ऐसा मुमकिन होगा इलेक्ट्रॉनिक कांटों की वजह से। अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग सुनील कुमार वर्मा ने शनिवार को बताया कि प्रदेश में करीब 80,500 कोटे की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने की फाइल
शासन को मंजूरी के लिए भेज दी जा चुकी है। ई पास की ही तरह इलेक्ट्रॉनिक कांटों की भी खरीद रेंटल मॉडल पर किए जाने की योजना है। शासन से अनुमोदन की उम्मीद है। अनुमोदन के 2 महीने के भीतर सभी कोटे की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 50 किलोग्राम क्षमता के होंगे, ये जो मैंने अभी बताया 50 किलोग्राम का ये कांटा होगा। तो सरकार की जो मंशा है वो ये है कि किसी भी स्थिति में जो राशन कार्ड धारक है उसको पूरा पूरा राशन दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी है, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसकी सराहना करता हूँ सिर्फ नॉलेज चैनल के माध्यम से, कि एक अच्छी बात है कि राशन कार्ड धारक को उसका अधिकार मिले, लेकिन वो लोग कोटेदारों के भी अधिकारों की सरकार को चिंता होनी चाहिए। कि मैं खुद देखता हूँ, कोटेदार अगर 50 क्विंटल का कोटेदार है अगर, तो वो 3500 रुपये में क्या होता है आज की डेट में पूरे महीने भाग दौड़ में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार ये भी करे, और आप लोगों को भी अपने अध्यक्ष से बात करनी चाहिए इस विषय पर, सरकार से सीधी बात करनी चाहिए। तो ये निश्चित तौर पर ये आपके लिए खबर, जो भी कोटेदार देखेंगे, ये बहुत अच्छी तो खबर नहीं है, ये तो एक समस्या पैदा करने वाली खबर है। लेकिन जो भी है, हमारा काम है आपको अपडेट कराना, आपको यथास्थिति से अवगत कराना, तो मैं वो कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।